हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीक्रेट शेफ किचन। हमारी आज की रेसिपी है वो हमारा डबल लेयर चीज़ी वेजिटेबल सैंडविच। बहुत आसानी से बन जाता है ये, और ये कुकिंग विदाउट फायर है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे कैबेज और कैरेट है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। और ये देखिए, अब इसको हम लोगों को बॉईल करना है, कैरेट और कैबेज को 3-4 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो मैं दोनों को बॉईल कर लेंगे हम लोग। और तब तक हम लोग, यहाँ पे ब्रेड है तो मेरे पास यहाँ पे वाइट और ब्राउन ब्रेड है, तो मैंने 3-3 ब्रेड लिए हैं। और इसके अब हम लोगों को साइड्स ट्रिम करनी होगी। देखिए, मैं अच्छी तरीके से इनकी साइड्स ट्रिम कर ली है। और मेरे पास यहाँ पे बाउल है, इसके ऊपर हम सीवर रखेंगे। और यहाँ पे कॉटन क्लॉथ है, आप कोई सा भी कॉटन क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। और अपना ये बॉयल्ड कैरेट हम लोग इसमें डाल देंगे। तो बॉयल करने में बहुत ज़्यादा पानी आता है, इसलिए हम इसका एक्सेस वाटर स्क्वीज कर लेंगे। इसमें स्क्वीज करना बहुत ही मेजर स्टेप है, इसमें स्किप ये हमें नहीं करना होगा। और मेरे पास यहाँ पे स्क्वीज्ड कैबेज और कैरेट आ गया है। इसको हम लोग स्पून के मदद से थोड़ा सा इसको ऐसे खोल लेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2-3 टेबल स्पून चीज़ स्प्रेड का। तो ये देखिए, हम चीज़ स्प्रेड इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का डालेंगे दोनों में। फिर 1 टीस्पून ऑरिगैनो का डालेंगे दोनों में। आप मिक्स्ड हर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, और चिली फ्लेक्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ब्लैक सॉल्ट डालेंगे 1/4 टीस्पून दोनों में। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं इसके लिए। अब हम लोगों को इसको एकदम अच्छी तरीके से, आप इसके लिए फोक या स्पून कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और ये देखिए, एकदम आपको ऐसे चीज़ी कैरेट और कैबेज दिखना चाहिए। और अब मेरे पास यहाँ पे ये ट्रिम करी हुई वाइट ब्रेड है, 3 वाइट ब्रेड है, 2 को साइड में रख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कैरेट की लेयर लगाएंगे। ये देखिए, हम मैंने इसमें लगा दिया है। फिर इसके ऊपर से हम एक और इसमें रखेंगे लेयर ब्रेड की। फिर अब मैं इसमें कैबेज की लेयर लगा रही हूँ। तो एकदम ये चीज़ी चीज़ी सा कैबेज है, तो इसको भी हम लगा लेंगे। देखिए, और इसके ऊपर से एक और ब्रेड रख लेंगे। और ये देखिए, हमारा डबल लेयर चीज़ी वेजिटेबल सैंडविच बनके तैयार हो गया है। बहुत ही छोटी और आसान सी रेसिपी है, तो ट्राई करिएगा। और मैंने दोनों ब्रेड का बना लिया है, कमेंट करके बताइएगा। एंड एंजॉय।